नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद गुरुवार 14 जुलाई से शिव जी की भक्ति का खास महीना यानी कि सावन शुरू हो रहा है। ये महीना 12 अगस्त तक रहेगा। सावन में शनि अपनी खुद की राशि में शामिल रहेगा। गुरु 29 जुलाई से अपनी ही राशि मीन में शामिल हो जाएगा। सावन महीने में इन दोनों ग्रहों का अपनी अपनी राशि में होना बहुत ही खास योग है। सावन में शिव जी के साथ ही सूर्य चंद्र शनि गुरु के लिए विशेष करने से सभी 9 ग्रहों के दोष दूर हो सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं शिवलिंग पर क्यों चढ़ाई जाती है शीतलता देने वाली चीजें। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र है, इस वजह से पूरे सावन महीने में और खास तौर पर सोमवार को चंद्र देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। चंद्र का नाम सोम भी है, इस कारण चंद्रवार को सोमवार कहते हैं। इस बार सावन में 4 सोमवार रहेंगे। चंद्र शीतलता देने वाला ग्रह है। शिव जी ने जब विषपान किया था तो उनके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी ने चंद्र को अपने माथे पर धारण किया। चंद्र विलपत्र, जल अभिषेक, दूध, दही, घी और ऐसी चीजें, शीतलता देने वाली चीजें भी शिवलिंग पर इसी वजह से चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, किसी भी शुभ काम की शुरुआत पंच देवों की पूजा के साथ की जाती। पंच देवों में शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, दुर्गा जी और सूर्य देव शामिल है। इस संबंध में श्री गणेश अंक में लिखा है कि आकाश तत्व के स्वामी विष्णु जी, अग्नि तत्व की स्वामी देवी दुर्गा, वायु तत्व के स्वामी सूर्य देव, पृथ्वी तत्व के स्वामी शिव जी और जल तत्व के स्वामी गणेश जी हैं। पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से मिलकर ही हमारा शरीर बना होता है। इसी वजह से पंच देवों का महत्व काफी अधिक माना गया है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन में क्यों रोज करनी चाहिए सूर्य की आराधना। सावन माह में रोज सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और सूर्य को अर्घ अर्पित करना चाहिए। सावन में अधिकतर जगहों पर बारिश की वजह से सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर के दर्शन करना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अर्घ अर्पित करना चाहिए। इस दौरान सूर्य के मंत्र ओम सूर्य नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। आप जानते हैं शनि और गुरु ग्रह के लिए कौन से हैं शुभ काम। सावन महीने शनि के लिए हर शनिवार को तेल और काले तिल का दान करें। जरूरतमंद लोगों को छाते और जूते चप्पल का दान करें। गुरु ग्रह के लिए हल्दी और चने की दाल का दान करना चाहिए। शिवलिंग बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।